हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। आपको याद होगा मैंने लेक्चर 2 में कहा था कि हेस लॉ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो उस लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो गई, तो मैं सोचा हेस लॉ को मैं लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा दूं। हेस लॉ को अलग से ट्रीट करना बनता भी है। हेस लॉ आपको याद होगा पिछले लेक्चर लेक्चर नंबर 2 में मैंने कहा था कि जो थर्मोकेमिस्ट्री का कोर आइडिया है वो यह है कि हीट ऑफ रिएक्शन हर बार आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। मैंने पिछली और इसको निकालने के 4 तरीके हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन से, हीट ऑफ कंबशन से, बॉन्ड एनर्जी से, हेस लॉ से। मैंने एक डायग्राम बनाया था। हीट ऑफ कंबशन से कैसे निकालना है मैंने सिखा दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन से कैसे निकालना है सिखा दिया, आज मैं हीट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाऊंगा आपको हेस लॉ से। ठीक है, तो आइए हेस लॉ सीखने की कोशिश करते हैं। लेक्चर नंबर 3, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ, हेस लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें निकलने वाला हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर वन है, ठीक है, और अभी इसी रिएक्शन को आप कई स्टेप्स में कर दीजिए, जैसे ई प्लस एफ चेंजेस इंटू जी प्लस एच चेंजेस इंटू आई प्लस जे चेंजेस इंटू सी प्लस डी। इसको अगर आप डेल्टा एच आर 2 कहिए, इसको डेल्टा एच आर 3 कहिए, इसको डेल्टा एच आर 4 कहिए, इसको डेल्टा एच आर 5 कहिए, ठीक है। तो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करिए, चाहे उस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में कीजिए, अमाउंट ऑफ हीट बराबर लगेगा। यानी एक स्टेप में करने पर जो हीट लग रहा है डेल्टा एच आर 1 इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच आर 2 प्लस डेल्टा एच आर 3, ठीक है, प्लस डेल्टा एच आर 4, एच आर 4 प्लस डेल्टा एच आर 5, ठीक है। ये चीज हेस लॉ कहलाती है, ठीक है। तो हेस लॉ क्या कहता है? रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन। हेस लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन सिंगल स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप ऑफ अ रिएक्शन विल बी सेम, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखना चाहता था छोड़ दे रहा हूं, मैं फिर कह दे रहा हूं, मैं दोहरा दे रहा हूं इस बात को। किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करिए, चाहे उस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में करिए, हीट जो लगेगा वो हर बार सेम होगा। मतलब ये जोड़कर जो हीट लगा वही ये हीट हो जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि हेस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं आपको इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिएक्शन ऐसे है ए प्लस बी चेंजेस इंटू सी प्लस डी, इसको आप डेल्टा एच आर 1 कह रहे हैं, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को कई स्टेप्स में लिखा जाए, ए प्लस बी चेंजेस इंटू ई प्लस एफ, ई प्लस एफ चेंजेस इंटू क्या जी प्लस एच, जी प्लस एच चेंजेस इंटू आई प्लस जे, और आई प्लस जे चेंजेस इंटू क्या सी प्लस डी। इसको कहिए आप डेल्टा एच आर 2, डेल्टा एच आर 1, 3, डेल्टा एच आर 4, और इसको डेल्टा एच आर 5 कहिए, एच आर 5 कही है। अब इन रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, रिएक्शंस को जोड़ने पर अगर 4 रिएक्शंस को जोड़ने पर पहला वाला रिएक्शन आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इन सब का जो हीट ऑफ रिएक्शन जोड़ने पर आएगा डेल्टा एच आर 2, डेल्टा एच आर 3, डेल्टा एच आर 4 प्लस डेल्टा एच आर 5, ठीक है, ये पहले वाले के बराबर आएगा, यानी डेल्टा एच आर 1 के बराबर आएगा। यानी किसी रिएक्शन को आप एक स्टेप में करिए, चाहे उसी रिएक्शन को आप मल्टीपल स्टेप्स में करिए, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व विल बी सेम, ठीक है। इसको हेस लॉ कहते हैं, ठीक है। हेस लॉ सीख लिया, इसको हेस लॉ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन करना है, हम उस पर भी आएंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एलजेब्रा ऑफ रिएक्शंस भी सीखें, ठीक है। क्या एलजेब्रा लगता है रिएक्शंस में? आइए देखते हैं, है ना। हीट ऑफ हेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले कुछ एलजेब्रा भी जानते हैं रिएक्शन का, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ रिएक्शंस क्या लिख सकते हैं? पहली चीज अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर है, ठीक है। तो आप जानिए अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, है ना, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो जो नया हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो पुराने हीट ऑफ रिएक्शन के सामने
माइनस साइन लगाकर आएगा, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या, अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर है। अगर आप इस रिएक्शन को थ्रू आउट किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए ए प्लस ए बी चेंजेस इनटू ए सी प्लस ए डी लिखते हैं, तो हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा नया, उसमें भी आपको ए मल्टीप्लाई करने पे जो नया हीट ऑफ रिएक्शन है वो आएगा, पुराने वाले हीट ऑफ रिएक्शन में ए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी अगर किसी रिएक्शन को आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हीट ऑफ रिएक्शन में भी आपको ए से मल्टीप्लाई करने पे उसका नया हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो दो बातें सीखी, एक सीखा अगर आप हीट किसी भी रिएक्शन को पलट देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन के सामने नेगेटिव लगा देंगे, अगर किसी रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन में भी वही कॉन्स्टेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीसरी बात हो जाएगी, अगर आप एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और अगला रिएक्शन है सी प्लस ई गिव्स एफ प्लस बी, ये दो रिएक्शन है मान लीजिए, इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर वन है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर टू है, आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे, सी सी कट गया बी बी कट गया, ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर सेम चीज है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, सी सी को कैंसिल आउट कर दिया और आप लिख सकते हैं ए प्लस ई इज इक्वल टू एफ प्लस डी, ऐसे लिखा। अब ये जो नया हीट ऑफ रिएक्शन होगा थर्ड वाला वो कितना होगा, चूंकि आपने इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ा है तो आप इन दोनों रिएक्शंस के हीट ऑफ रिएक्शन जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के हीट ऑफ रिएक्शन जोड़ सकते हैं। अगर आप दो रिएक्शंस को घटाते हैं तो आप उनके हीट ऑफ रिएक्शन भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पे एलजेब्रा भी देख लिया, मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, अगर कोई रिएक्शन को आप पलट देते हैं उसके हीट ऑफ रिएक्शन के सामने नेगेटिव साइन लग जाएगा, अगर किसी रिएक्शन में आप कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हीट ऑफ रिएक्शन में भी वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉन्स्टेंट, अगर आप दो रिएक्शन को जोड़कर कोई तीसरा रिएक्शन निकालते हैं तो इतना जानिए उस तीसरे रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो पहले दोनों रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन को जोड़कर ही आएगा, ठीक है। अब हेस लॉ हम लोगों ने सीख लिया, उस एलजेब्रा सीख लिया, आइए अब हेस लॉ को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं हेस लॉ को समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर वन कहता है कैलकुलेट कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड यूजिंग फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा, नीचे दिए हुए डेटा को यूज करके आपको हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। आइए सीखने की कोशिश करते हैं, पहली चीज सी ग्रेफाइट प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू गैशियस, ठीक है, ओ गैशियस ग्रेफाइट सॉलिड, इसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन है -393.5 किलो जूल, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन ये एक डेटा ये दिया है, दूसरा डेटा क्या है दिया हुआ है, ट्वाइस मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ओ टू गिव्स ट्वाइस MgO सॉलिड, हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसको वन कहिए इसको टू कहिए, -1203.9.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल। तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है MgO सॉलिड प्लस CO2 Gaseous gives MgCO3 solid. Heat of reaction दिया हुआ है -117.7 किलो जूल, ठीक है। अब ये तीन reactions दिए हुए हैं और कहा जा रहा है heat of formation of magnesium carbonate निकालिए, ठीक है। अब देखिए इसमें clearly कुछ चीज demarcated नहीं है, इस question में heat of formation ऐसा नहीं कि सबका heat of formation दिया हो कि हम सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लगाकर हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, ऐसा नहीं दिया, हीट ऑफ कंबशन भी नहीं दिया हुआ है। इस रिएक्शन में किसी एक हीट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, हम इन रिएक्शंस को रीअरेंज कर एक फाइनल रिएक्शन निकालेंगे जो हमें चाहिए होगा जिसका हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कुछ बातें शब्दों में कम समझ में आती है, डेमोन्स्ट्रेशन से ज्यादा, आइए इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, कहा जा रहा है फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड। तो लेक्चर नंबर टू में मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन पे काफी बातचीत की है ना, आपको याद होगा जब भी मुझसे
कोई कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए, तो मेरे मेरे दिमाग में चार बातें आती हैं, है ना? आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था चार बातें, कौन कौन सी? पहला, जो बने वो एक मोल बने, दूसरी चीज प्योर एलिमेंट से बने, मतलब मैग्नीशियम से बने, कार्बन से बने, ऑक्सीजन से बने, जो चीज बने एक मोल बने, प्योर एलिमेंट से बने, एलिमेंट्स जो भी यूज किए जाए वो एलिमेंटल फॉर्म में हो, यानी मैग्नीशियम सॉलिड में होगा, कार्बन भी सॉलिड होगा और ऑक्सीजन जो है वो गैस होगा, और सबसे स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज होना चाहिए, यानी यहां पर कार्बन किस में होना चाहिए? ग्रेफाइट में होना चाहिए, ग्रेफाइट स्टेट में होना चाहिए एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है? इस रिएक्शन का हीट ऑफ जो रिएक्शन होगा उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बिल्कुल कह सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कहा जा सकता है। इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। आपको पता है हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के चार तरीके हैं, ठीक है? हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकलता है, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन से भी निकलता है, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, या हेस लॉ से निकलता है। हेस लॉ से कैसे निकलेगा? इन सभी रिएक्शंस को इस तरह से रीअरेंज किया जाए ताकि इनका समअप करने पर यह रिएक्शन आ जाए, ठीक है? तो आइए पता लगाते हैं कैसे आएगा ये। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन करनी होगी, जैसे पहले रिएक्शन में मुझे कार्बन ग्रेफाइट दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, मुझे फाइनल रिएक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। ये एक मोल है, यहां पे भी एक ही मोल दिया हुआ है, ठीक है? यानी जो जो चीज चाहिए मुझे वो सब यहां पर, इसलिए इस रिएक्शन को बिना डिस्टर्ब किए मैं यहां ले आता हूं। क्या लिख सकता हूं? सी ग्रेफाइट सॉलिड प्लस ओ टू गैशियस चेंजेस इंटू सीओ टू गैशियस, और इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच वन जो मैं लिखूंगा वो -393.5 किलो जूल लिखूंगा, ठीक है? अगली चीज, मुझे मैग्नीशियम मेन रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, और यहां पर मुझे मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दिक्कत यह है कि यहां मैग्नीशियम दो मोल दिया है और जबकि हमको यहां पर मैग्नीशियम सिर्फ एक मोल चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को एज इट इज तो लिखेंगे लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है? तो इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करिए, यानी आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैशियस चेंजेस इंटू हाफ Mg, हाफ इंटू 2 MgO, यानी MgO सॉलिड। जैसे ही आपने इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, आपको जो इसका हीट ऑफ रिएक्शन है उसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -1203.6/2 किलो जूल लिख सकते हैं। तीसरी बात, अब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट राइट हैंड साइड में है और हमारे लास्ट रिएक्शन में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट राइट हैंड साइड में है। यहां हमें एक मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए, यहां हमें एक मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, यानी इस रिएक्शन को बिना डिस्टर्ब के हम ऐसे ही लिख सकते हैं एज सच। क्या लिख सकते हैं? MgO सॉलिड प्लस CO2 गैशियस चेंजेस इंटू, ठीक है, MgCO3 सॉलिड, ठीक है? मैंने एज इट इज लिखा और इसके हीट ऑफ रिएक्शन को भी एज इट इज लिख देंगे, -117.7 किलो जूल। अब आइए इसको ऐड करते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा? MgO MgO विल गेट कैंसल्ड आउट, CO2 एंड CO2 विल गेट कैंसल्ड आउट। क्या मिला? सी ग्रेफ मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ओ टू और हाफ ओ टू, क्या हो जाएगा? 3/2 O2 गैशियस, ठीक है? और क्या? सी ग्रेफाइट सॉलिड चेंजेस इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है? और हीट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा इसका? तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा इस रिएक्शन का, वो इन तीनों हीट ऑफ रिएक्शन को जोड़ के आएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप रिएक्शन को जोड़ते हैं तो फाइनल रिएक्शन जो मिलता है आपको उसका हीट ऑफ रिएक्शन इनके हीट ऑफ रिएक्शन को जोड़ के आएगा। यानी मैं लिख सकता हूं -393.5 -1203.6/2
माइनस 117.7। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो मैंने पहले ही सॉल्व कर रखी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1113 किलो जूल, ठीक है। अब चूंकि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, यानी इसका भी हीट ऑफ रिएक्शन इतना ही आ जाएगा, जिसको हम एक स्पेशल नाम से बुला सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपने देखा कि है ना, हेस लॉ लगाकर कैसे आप हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है। आशा है आपको आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। आइए और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं, जिसमें है ना नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाए, ठीक है। करना यही होगा, जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसको हमें लिखना होगा, और जो गिवन रिएक्शन है उनमें कोई ना कोई रद्दो बदल करके है ना चेंजेस लाकर हमें ऐसे लिखना होगा कि इनको जोड़ने पर जो नेट रिएक्शन आए वो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन हो। इन तीनों को जोड़ने पर जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा वो हीट ऑफ रिएक्शन उसी डिजायर्ड हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा जो हमने इस रिएक्शन में चाहा है, ठीक है। तो ये हेस लॉ पे काम करने की मेथडोलॉजी है। आइए एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है डाइबोरेन इज पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल विच अंडरगोज कंबशन according to reaction B2H6 plus thrice O2 gaseous solid, ठीक है ना, सॉलिड B2H6 सॉलिड प्लस थ्राइस O2 गैशियस चेंजेस इनटू B2O3 सॉलिड प्लस थ्राइस H2O गैशियस, ठीक है। ये कैलकुलेट, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ B2H6 फ्रॉम फॉलोइंग डेटा तो नीचे डेटा क्या दिया हुआ है? नीचे डेटा के नाम पर चार रिएक्शन दिया है। पहला रिएक्शन क्या है? B2 ट्वाइस बी सॉलिड प्लस थ्राइस 3/2 O2 गिव्स B2O3 सॉलिड। हीट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 1273 किलो जूल, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है, सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैशियस प्लस हाफ ऑक्सीजन gaseous changes into H2O liquid delta H2 is minus 286 kilojoule, ठीक है। तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है H2O liquid changes into H2O gas, heat of reaction is है ना plus 44 kilojoule, plus 44 kilojoule दिया हुआ है। और लास्टली एक रिएक्शन और दिया हुआ है जो कहता है कि ट्वाइस बोरॉन सॉलिड प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैशियस चेंजेस इनटू B2H6 सॉलिड, हीट ऑफ रिएक्शन इज 36 किलो जूल। अब हमसे ये पूछा गया है हम लोगों से कि इसका हीट ऑफ कंबशन निकालिए। देखिए हीट ऑफ कंबशन मतलब किसी चीज का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यही हमारा मेन रिएक्शन है, डिजायर्ड रिएक्शन है जिसका हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। इसके हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ B2H6 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B2H6 कहा जा सकता है। लेकिन ये कोर में हीट ऑफ रिएक्शन ही है, ठीक है। और आपको मालूम है हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के मैंने आपको चार तरीके बताए हैं। एक हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकलता है, याद होगा मैं बार बार एक ही चीज दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि क्या प्रोसेस है, क्या मेथडोलॉजी है। हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का पहला तरीका हीट ऑफ फॉर्मेशन है, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा तरीका हीट ऑफ कंबशन, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ
रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा तरीका है हेस लॉ। ठीक है, आइए हेस लॉ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा डिजायर्ड रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, हमारा डिजायर्ड रिएक्शन है B2H6। यहां मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, B2H6 सॉलिड प्लस थ्राइस O2 गैशियस चेंजेस इट टू B2O3 सॉलिड प्लस थ्राइस H2O गैशियस। इसका मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अब मुझे अगर ये हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मेरे पास ये चार डेटा दिया हुआ है जिसको मुझे रद्दो बदल चेंज करके ना चेंजेस लाकर ये हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मुझे एक चीज मालूम है कि B2O3 राइट हैंड साइड दिया हुआ है यहां पे, और फर्स्ट रिएक्शन में भी मैं B2O3 को राइट हैंड साइड देख रहा हूं। B2O3 एक मोल है, एक मोल यहां भी है, इसलिए मुझे लगता है मुझे इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं लाना चाहिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ट्वाइस बोरॉन सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैशियस चेंजेस इनटू B2O3 सॉलिड डेल्टा H1 इज -1273 किलो जूल। सेकेंड रिएक्शन में मुझे ऐसा कुछ ऑक्सीजन जरूर दिख रहा है, पर ऑक्सीजन से मैं बहुत क्लैरिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी है। ठीक है ना, तो अभी बहुत क्लियर नहीं हूं मैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में कि मैं क्या करूं। ठीक है ना, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। थर्ड रिएक्शन पे आइए, थर्ड रिएक्शन में मुझे वाटर गैशियस स्टेट में दिखाई पड़ रहा है। थर्ड रिएक्शन मुझे वाटर गैशियस स्टेट में दिखाई दे रहा है, और यहां पे भी वाटर मुझे गैशियस स्टेट में दिखाई पड़ रहा है। अंतर यह है कि यहां 3 मोल है और यहां सिर्फ 1 मोल वाटर है। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं और 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, यानी थ्राइस H2O लिक्विड चेंजेस इनटू थ्राइस H2O गैशियस, है ना। अब अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे -44 जो किलो जूल है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड रिएक्शन मैंने लिख लिया। अब अगली बात क्या, लास्ट रिएक्शन में मुझे B2H6 दिखाई पड़ रहा है, यहां पे भी मुझे B2H6 दिखाई पड़ रहा है जो मेरा डिजायर्ड रिएक्शन है, लेकिन B2H6 यहां लेफ्ट हैंड साइड में है और इस रिएक्शन में वो चीज राइट हैंड साइड में दी हुई है। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को पलट लेते हैं, यानी इस रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं B2H6 सॉलिड चेंजेस इनटू ट्वाइस बोरॉन सॉलिड प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैशियस। अब ऐसा लिखते ही मुझे इस हीट ऑफ रिएक्शन के सामने नेगेटिव साइन लगाना होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो डेल्टा H4 जो है मैं उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दूंगा, यानी -36 किलो जूल लिखूंगा मैं इसको। अब ये 3 रिएक्शन तो सेट हो गए, ये रिएक्शन सेट नहीं हो रहा। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे किया जाए, तो अब एक चीज मुझे मालूम है कि यहां पे थ्राइस H2O लिक्विड है और ये चीज इस रिएक्शन में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में दिख रही है, इसका मतलब जरूर ये थ्राइस H2O लिक्विड किसी थ्राइस H2O लिक्विड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, थ्राइस H2O लिक्विड कैंसल होना चाहिए, H2O लिक्विड मुझे यहां पर यहां दिखाई पड़ रहा है। यानी एक काम करते हैं, है ना, ये मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए ताकि ये और ये कैंसल हो जाए। ठीक है, और ये मुझे राइट हैंड साइड में दिख भी रहा है, बस फर्क ये है कि ये 1 मोल है, डिजायर्ड जो है 3 मोल है। एक काम करते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, 3H2 गैशियस प्लस, ठीक है, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3H2 गैशियस प्लस 3/2 O2 गैशियस गिव्स 3H2O लिक्विड। तो ये 3/2 O2 गैशियस गिव्स 3H2O लिक्विड। अब इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा डेल्टा H2, वो जो था पहले दिया हुआ था कितना था, -286 जो दिया हुआ है उसमें 3 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यानी आप यहां पे लिखेंगे 286 × 3। ठीक है, ऐसे 3 लिख देंगे, आप जोड़िए इनको, जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, B2 twice B2 gets cancelled, thrice H2 gets cancelled। ठीक है, 3H2O liquid 3H2O liquid gets cancelled, क्या मिला आपको, B2H6 solid प्लस
3/2 इज 3O2 गैशियस चेंजेस इनटू B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैशियस, 3H2O गैशियस। अब इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, ठीक है, इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो इन सब का सम होगा, क्योंकि मैंने इन सब रिएक्शंस को जोड़ दिया है। ठीक है, तो इनको जोड़ा जाए कितना आ जाएगा, ये -273 किलो जूल प्लस -286 इंटू थ्री प्लस -44 इंटू थ्री प्लस -36 किलो जूल। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, इन सब का सम मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2035 किलो जूल। अब ये जो आया है ये यही होगा जो इसका हीट ऑफ रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, इसलिए इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन मैंने जोड़कर निकाला है वो इस रिएक्शन का भी हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यानी -2035 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर दो क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेट किए और दिखाया कि कैसे हेस लॉ लगाना है। हेस लॉ में हमेशा एक डिजायर्ड रिएक्शन को रखकर बाकी रिएक्शंस को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से हम लिखते हैं ताकि उसको नेट जोड़ने पर वही रिएक्शन आ जाए जो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन है। आइए कुछ एक दो जनरल क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में काफी कोर चीजें पढ़ ली है, हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया, हीट ऑफ कंबशन पढ़ लिया और हेस लॉ पढ़ लिया, तो आइए दो जनरल क्वेश्चन करते हैं फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या कहता है, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज -2880 किलो जूल पर मोल, 25% ऑफ दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 2880 किलो जूल पर मोल इन्वॉल्व होती है एनर्जी, 25% ये जो एक मोल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में -2880 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इस एनर्जी जो मिलती है ऑक्सीडेशन से उसका 25% हम मस्कुलर वर्क में यूज करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड, इफ 100 किलो जूल ऑफ मस्कुलर वर्क इज नीडेड टू वॉक 1 किलोमीटर to walk 1 kilometer, what is the maximum distance that person will be able to walk after eating 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं। कहा जा रहा है कि एक मोल ग्लूकोज से इतनी एनर्जी मिलती है, लेकिन हां अलास इसका सिर्फ 25% ही हम लोग मस्कुलर वर्क में यूज कर सकते हैं। कहा जा रहा है 100 किलो जूल एनर्जी अगर हम लेते हैं, मस्कुलर वर्क वाली एनर्जी अगर हम यूज करते हैं, तो हम 1 किलोमीटर चल पाएंगे। तो अगर कोई आदमी 120 ग्राम ग्लूकोज खा लेता है तो कितनी दूर चलेगा, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो आदमी कवर करेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं कितना कवर करेगा, 1 ग्राम। पहली बात, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है
वो होता है C6H12O6। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 करेंगे, यानी 180 ग्राम पर मोल। यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम पर मोल होता है। तो अगर कोई 180 ग्राम ग्लूकोज खा रहा है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स खा रहा है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी 120 ग्राम ग्लूकोज खाया और मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम पर मोल है, यानी ये आएगा 2/3 मोल। अब मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ग्लूकोज खाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो है −2880 kJ। तो 2/3 मोल, जो कि 120 ग्राम में सिर्फ 2/3 मोल होता है, 2/3 मोल ग्लूकोज खाने पर जो एनर्जी मिलेगी वो होगी −2880 × 2/3। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 9s are 27, 3 6s are 18, ये आ जाएगा −2000, 2 6s are 12, 19 1920 kJ। इतनी एनर्जी 2/3 मोल ग्लूकोज खाने पर मिलेगी, यानी 120 ग्राम ग्लूकोज से इतनी एनर्जी आपको मिलेगी कंबशन से। लेकिन मस्कुलर वर्क के लिए इस एनर्जी का सिर्फ 25% ही मस्कुलर वर्क में यूज होता है, यानी −1 to −1 हटा सकते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, 1 to 1920 का 25% ले लीजिए, इतना 1 to 90 kJ एनर्जी किसी के पास है। ठीक है ना, इसका 25% ले लीजिए, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं। तो मस्कुलर वर्क के लिए इतनी एनर्जी तो कंबशन से मिली, इसका 25% ले लीजिए, इतनी एनर्जी मस्कुलर वर्क के लिए अवेलेबल होगी, यानी 25/100, यानी 5 5s are 25, 5 2s are 10, ये आ जाएगा 96, यानी −480 kJ ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द मस्कुलर वर्क। मस्कुलर वर्क के लिए 480 kJ एनर्जी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 kJ से वो 1 किलोमीटर चलता है, तो 100 kJ मस्कुलर एनर्जी अगर है, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी है अगर, तो वो कितना किलोमीटर चलेगा? 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोजूल जो एनर्जी होगी तो कितना चलेगा? 1/100 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मस्कुलर एनर्जी मैंने निकाली 1 मोल से इतनी एनर्जी, तो 2/3 मोल यानी 120 ग्राम से इतनी एनर्जी, उसका 25% मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर वर्क वाली एनर्जी वो इतनी है, यानी 480 kJ अगर एनर्जी होगी तो वो 480/100 किलोमीटर आदमी चलेगा, यानी 4.8 किलोमीटर आदमी चलेगा 100 ग्राम ग्लूकोज खाकर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो जनरल क्वेश्चन था जो मैंने अभी कराया आपको, जिसका थर्मोकेमिस्ट्री से बहुत एज सच यूज नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है जो अक्सर थर्मोकेमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऑफ एच ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, C solid half O2 gaseous changes into CO gaseous, delta H is −110 kJ. C solid plus H2O gaseous changes into CO gaseous plus H2 gaseous, ये दिया हुआ है, delta H is equals to +132 kJ। ठीक है, ये डेल्टा एच इज इक्वल टू −110 kJ। ठीक है, ये आ रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोल कॉम्पोजिशन, है ना, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, मैं से लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट द मोल कॉम्पोजिशन, ऑफ द मिक्सचर, ऑफ स्टीम एंड ऑक्सीजन, ऑन बीइंग पास्ड ओवर
ऑन बींग पास्ड ओवर ओवर द कोक एट 1273 केल्विन कीप्स कीपिंग द कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन, ये नीचे लिखे हुए हीट ऑफ रिएक्शन के डेटा दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि कार्बन, दिया हुआ है कि कार्बन जो है वो एक बार ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एक बार कार्बन स्टीम से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और ना हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. क्वेश्चन कह रहा है क्या मोल का कॉम्पोजिशन लिया जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, ताकि गरम कोक पास्ड ओवर द कोक, कोक मींस गरम कोयला, कोयला मींस यहां कार्बन है, कार्बन कोयला है, ठीक है, गरम कोयले पे से पास करने पर वाटर मतलब स्टीम और ऑक्सीजन का क्या रेशियो रहे मोल्स का, ताकि टेम्परेचर ना बदले. नाउ सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई वॉन्ट व्यूवर्स टू फर्स्ट अटेम्प्ट इट बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करिए, ना आए तो मैं बताता हूं. ठीक है, यहां क्या कहता है, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैशियस चेंजेस इंटू सीओ गैशियस, हीट ऑफ रिएक्शन इसका है -110 किलो जूल पर मोल. दूसरा रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैशियस चेंजेस इंटू CO गैशियस प्लस H2 गैशियस, इसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो -132 किलो जूल पर मोल है. ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि कह सकता हूं कि ये जो लास्ट वाला लाइन है कि टेम्परेचर ना बदले, ये कैसे होगा, टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर तब नहीं बदलेगा जब पहले रिएक्शन से जितना हीट निकल रहा है वो सेकेंड रिएक्शन में उतना ही हीट एब्जॉर्ब हो जाए. तो नेट निकला हुआ हीट एब्जॉर्ब हो गया, यानी नेट नेट दोनों रिएक्शन की वजह से ना कोई हीट निकला ना एब्जॉर्ब हुआ. ठीक है ना, अगर 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 मैं पहले रिएक्शन से निकलने वाला हीट पूरा पूरा सेकेंड रिएक्शन में एग्जैक्टली एब्जॉर्ब हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि इस कोक का कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा. अगर नेट नेट हीट निकलेगा तो गर्म होगा, नेट नेट हीट एब्जॉर्ब होगा तो ठंडा होने लगेगा, लेकिन अगर जितना हीट ऊपर से निकला उतना हीट अगर नीचे एब्जॉर्ब हो जाए तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. पूछा इनका मोल कॉम्पोजिशन क्या, कॉम्पोजिशन मीन्स परसेंटेज, कॉम्पोजिशन मीन्स परसेंटेज, आइए परसेंटेज निकालते हैं. तो जब भी परसेंटेज की बात की जाए टोटल चीज को 100 मान लीजिए, मान लिया कि स्टीम और इसको कहते हैं स्टीम, दिस इज स्टीम, ये स्टीम है, भाप है, स्टीम और ऑक्सीजन का टोटल मोल 100 मोल है. ठीक है, 100 मोल्स है, इसके मोल n मान लीजिए तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, 100 माइनस n मोल हो जाएंगे. ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं. हाफ मोल ऑक्सीजन जब जलता है तो 110 किलो जूल एनर्जी निकलती है, तो एक मोल जब जलेगा तो कितना निकलेगा, 220 किलो जूल निकलेगा. एक मोल से 220 किलो जूल निकलता है तो n मोल से कितनी एनर्जी निकलेगी, n इंटू -220 किलो जूल. फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये पर मोल नहीं होगा, किलो जूल है. मैं फिर बता रहा हूं, हाफ मोल ऑक्सीजन से 110 किलो जूल रिलीज होता है, तो एक मोल ऑक्सीजन से कितना निकलेगा, हाफ मोल से 110 है तो एक मोल से 220 किलो जूल होगा, तो n मोल से कितना हो जाएगा, 220 इंटू n, माइनस रखा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, प्लस कितनी एब्जॉर्ब हुई, एक मोल वाटर से इतना एब्जॉर्ब होता है 132, तो 100 माइनस n से कितना एब्जॉर्ब होगा, 132 इंटू 100 माइनस n किलो जूल एब्जॉर्ब होगा, और नेट रिलीज्ड प्लस नेट एब्जॉर्ब्ड इज जीरो. ठीक है, जीरो हो जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -220 n प्लस 132 इंटू 100 माइनस n इज जीरो, है ना, -220 n प्लस 13200 -132 n इज जीरो. आप लिख सकते हैं इसको, जोड़ लीजिए, ठीक है ना, मैं
माइनस 220 एन, ठीक है 132, देखिए एक मोल वाटर से 132 किलो जूल रिलीज होता है, तो 100 माइनस एन से 100 माइनस एन इंटू 132 किलो जूल रिलीज होगा, 132 इंटू 100 इज 132,000 और ये माइनस 132 एन, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है क्या आ जाएगा 352 माइनस 352 एन प्लस 132,000 किलो जूल इज इक्वल टू जीरो, माइनस 352 एन इज इक्वल टू माइनस 13200, एन इज इक्वल टू 132,000 बाय 352 मोल्स, इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मेरे पास इसके लिए कैलकुलेटर है सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13200 डिवाइडेड बाय 352, तो इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, इसकी एन की वैल्यू आ जाएगी 137.5 मोल्स। तो बहुत ही क्लियर है कि अगर 100 मोल चीजें ली गई थी, ठीक है, अगर स्टीम और ऑक्सीजन के टोटल मोल 100 थे, उसमें इसकी वैल्यू 37.5 मोल अगर आती है, तो मैं कह सकता हूं कि मोल परसेंट ऑफ परसेंटेज मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू 37.5% एंड परसेंटेज मोल ऑफ स्टीम H2O विल बी 100 माइनस एन, मींस 100 माइनस 37.5% दैट इज 62.5% इसमें वाटर का स्टीम का परसेंट है, ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा 37.5%, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने हेस लॉ को अच्छे से समझा, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए, कुछ जनरल क्वेश्चंस किए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना है, अगले लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, और कैसे बॉन्ड एनर्जी से हम हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। आपको मैंने अब तक जो कोर आइडिया दिया है वो क्या दिया है कि थर्मोकेमिस्ट्री में मेन चीज होती है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के चार तरीके हैं, चारों दिशाओं से चार तरीके हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकलता है, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ कंबशन से निकलता है, कैसे, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। और तीसरी चीज जिससे हीट ऑफ रिएक्शन निकलता है वो क्या है, हेस लॉ, जो अभी अभी हमने आज के लेक्चर में सीखा। एक चीज और बच जाती है, वो है क्या, बॉन्ड एनर्जी से हीट ऑफ रिएक्शन निकालना। बॉन्ड एनर्जी से हीट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जानने के लिए अगले एपिसोड का या अगले लेक्चर का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।